हेलो एवरीवन वेलकम टू पिताबरा एजुकेटर्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सैम्पल पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म टू फॉर क्लास ट्वेल्थ आईटी स्टूडेंट्स सो दिस इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर कि कैसा कितने क्वेश्चंस आएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम टाइम अलाउड आपकी जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है दैट इज़ नाइन्टी मिनट्स वन एंड हाफ आवर्स और क्वेश्चन पेपर तो आपको पता ही है पहले से कि थर्टी मार्क्स का होगा दिस इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो पार्ट है आपका दीज यूनिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स दैट इज एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स दीज आर ऑफ फाइव मार्क्स ये दोनों मिला के फाइव मार्क्स की है ये हमें पता ही है पहले से और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल जो है ट्वेंटी फाइव मार्क्स का है अब इसमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं दे विल बी ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इनका टाइप जो होगा दे विल बी ऑफ टाइप वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इनसे कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा सो so, टू क्वेश्चनस आएंगे वन वन मार्क्स के एंटरप्रेन्योरल से एंड ग्रीन स्किल से अगेन टू क्वेश्चन वन मार्क ईच एंड आपको अटैम्प्ट करने थ्री क्वेश्चन आउट ऑफ दीज फोर क्वेश्चन तो ये दोनों यूनिट तो ईजी हैं इस पर वीडियो भी बनी हुई है आपने देखी होगी और इसके जो भी क्वेश्चन हैं वो भी ईजी आएंगे इससे तो आप अगर उन वीडियोज़ को देख लेंगे या सी बी एस ई की पी डी एफ को पढ़ लेंगे तो आप इनमें से आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में टू क्वेश्चन आर देयर यू हैव टू अटैम्प्ट एनी वन तो चॉइस है आराम से कि दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आप अटैम्प्ट कर ही लेंगे ईजिली ऐसी इसमें से फोर में से आपको थ्री अटैम्प्ट करने नाउ द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल जिसमें आपकी जावा है सो देर आर टू यूनिट्स अगेन जावा एंड वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आई टी तो ये जो यूनिट है आपकी सिर्फ आपकी फाइव मार्क्स की है और इससे क्वेश्चन भी आप देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एंड एक क्वेश्चन आ रहा है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में थ्री क्वेश्चनस आ रहे हैं जिसमें से आपको टू अटैम्प्ट है तो ये टू क्वेश्चन आप ईजिली अगर आपने जावा पढ़ी है तो आप जावा से अटैम्प्ट कर सकते हैं तो आपको वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आई में वो यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इससे जो अगर आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएँ तो बहुत ईजी क्वेश्चन आया है जैसे आपने स्कूल में डेटा पढ़ा ही है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है एंड द क्वेश्चन इज हाउ डेटा बेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आर हेल्पफुल इन गवर्नमेंट सेक्टर तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन है वहाँ पर डेटा बेस मैनेजमेंट यानी कि डेटा बेस क्रिएट करना और उसे मैनेज करना कैसे यूजफुल है तो लाइक पीपल कैन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेश कैन क्रिएट रिकॉर्ड और कीप द रिकॉर्ड ऑफ आधार कार्ड नंबर्स ऐसे ही uh, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ डिटेल्स हैं वो रिकॉर्ड uh, उसका कीप कर सकते हैं इन डेटा बेस बैंकिंग में भी यूज़ हो सकता है फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर्स बैंक अकाउंट नंबर्स उनकी डिटेल्स तो ऐसे करके आपको इसे डिस्क्राइब करना है नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटल इज मेकिंग डेटाबेस ऑफ पेशेंट एंड स्टाफ तो पेशेंट जो है उनका डेटाबेस और स्टाफ मींस जो भी डॉक्टर नर्स उनका भी डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है तो डॉक्टर टेबल जो है उसमें डॉक आईडी यानी डॉक्टर की आईडी डॉक्टर नेम एंड डिपार्टमेंट ये जो है आपके टेबल है नाउ गिफ्ट डिटेल्स ऑफ द पेशेंट टेबल आपको क्या करना है एक पेशेंट टेबल क्रिएट करनी है अलॉन्ग विद स्कीमा सो स्कीमा ऑफ टेबल मीन्स जो भी टेबल का डिज़ाइन है यानी कि टेबल में क्या क्या कॉलम्स uh, होंगे क्या क्या फील्ड्स होंगे और उनका क्या डेटा टाइप होगा ये आपको डिटेल में बताना है सो so हम पेशेंट की बात करें यहाँ पे जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर की आईडिया ऐसी अगर हम पेशेंट टेबल की डिटेल देखें तो हमें क्या करना है एक पेशेंट टेबल क्रिएट करनी है देन पेशेंट आई डी उसके लिए हम पी आई डी लिख सकते हैं ऐसे ही यहाँ पर हम लिख लेते हैं फील्ड नेम जैसे डिज़ाइन व्यू में हम क्रिएट करते हैं डेटा बेस अगर तो क्या होता है आपका यहाँ पे फील्ड नेम आता है और यहाँ पे डेटा टाइप आता है और यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड नेम तो इस तरीके से हमें क्या करना है डिस्क्राइब करना है टेबल्स को टेबल पेशेंट टेबल उसकी डिज़ाइन के साथ तो लाइक पी आई डी हो गया पेशेंट आई डी हो गया पेशेंट का मोबाइल नंबर हो सकता है पेशेंट का नेम हो सकता है पी नेम सो पी आई डी का डेटा टाइप लाइक वेयर केयर हो सकता है और वेयर केयर के साथ आप साइज लिख देंगे ऐसे पी नेम में भी वेयर केयर हो सकता है देन मोबाइल नंबर कैन बी इंटीजर, इंट उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना दैट दिस इज द आई डी ऑफ द पेशेंट दिस इज द नेम ऑफ द पेशेंट मोबाइल नंबर एंड यू कैन ऑल्सो मेन्शन डेट ऑफ एडमिशन डिजीज और इनके डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन तो इस तरीके का क्वेश्चन है इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में सो इट इज़ वेरी ईजी अगर आपको इन केस जावा के क्वेश्चन नहीं आते तो आप इन्हें अटैम्प्ट कर सकते हैं और अगर आपने जावा की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो फिर ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में वो भी सिर्फ एक मार्क का तो एक मार्क का सिर्फ एक क्वेश्चन आया है और आपसे सेवन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसमें से आपको सिर्फ फाइव अटैम्प्ट है तो ओबियसली आपने अगर जावा अच्छे से की है तो फाइव मार्क्स का आप जावा से अटैम्प्ट कर सकते हैं सो बेसिकली आई वॉन्ट टू से कि ये वाली यूनिट आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें चॉइस में आ रहा है आपको तो आपको ये यूनिट आप नहीं पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना जावा में देंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन सेक्शन ए दैट इज़ हु आर सोशल एंटरप्रेन्योर तो यहाँ पर आपको सोशल एंट्रप्रनीर डिफाइन करना है आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि ऐसे एंट्रप्रन्यर जो सोसाइटी के लिए सोल्यूशन डेवलप uh, कर रहे हैं जो भी नीड है प्रॉब्लम है सोसाइटी में उसके लिए सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दोज आर कॉल्ड सोशल एंट्रप्रीनीर नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर मे फेस मेनी पर्सनल बैरियर्स गिव एनी टू पर्सनल बैरियर्स तो अगर आपने अच्छे से ये यूनिट पढ़ी है सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है ये सो पर्सनल बैरियर लाइक सेल्फ डाउट किसी को अपने पर डाउट हो सकता है इमोशनल बैरियर किसी को इमोशंस हैंडल करना नहीं आ सकता है सो दैट विल ऑल्सो बी अ पर्सनल बैरियर सो so, आप कोई भी दो पर्सनल बैरियर्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नेक्स्ट इज व्हाट आर पॉसिबल ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन तो ये क्वेश्चन आपने जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पोस्ट किए हैं हमने डिस्कस किए थे रिलेटेड टू ग्रीन स्किल्स तो उसमें भी आपने ये क्वेश्चन देखा होगा एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि आप सिर्फ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ही बाकी भी जितने फील्ड दिए हैं ग्रीन जॉब्स वाले सारे सेक्टर में ग्रीन जॉब की क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्या क्या चीज़ें हो सकती है ग्रीन जॉब से रिलेटेड वो पढ़ लीजिएगा सो so, यहाँ पे वन मार्क्स का है ओबियसली तो हम अगर टू पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं देन वी कैन गेट वन मार्क्स ना तो पॉसिबल बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में उसकी डिज़ाइनिंग में गार्डनिंग में वाटर हार्वेस्टिंग में क्या हो सकता है पॉसिबल ग्रीन जॉब्स हैं नेक्स्ट इज़ वट इज़ द मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज तो नेशनल एक्शन प्लान का क्या मिशन है दे आर डीलिंग विद द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो भी क्लाइमेट uh, चेंज के हार्मफुल इम्पेक्ट्स हैं ऑन द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट पे एग्रीकल्चर पे हैबिटेट पे उन सब से क्या कर रही है डील कर रही है सो दैट इज़ द मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान तो अगर इन केस अगर हम देखें यहाँ पे फोर में से अगर हमें थ्री अटैम्प्ट करने हैं तो ये स्टार्टिंग के बहुत थ्री इजी क्वेश्चन हैं हम इन्हें ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ आंसर एनी वन आउट ऑफ द टू तो यहाँ पे देखिए आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के एटीट्यूड बताने तो ये क्वेश्चन हमने एंटरप्रेन्योरल स्किल में डिस्कस भी किया है लाइक like उसमें पूछा था व्हाट आर द टू एटीट्यूड्स यहाँ पे आपको टू मार्क्स का दिया है तो आप या तो अगर सिर्फ एटीट्यूड लिख रहे हैं तो आप फोर एटीट्यूड लिख सकते हैं या फिर आप अगर सिर्फ टू एटीट्यूड लिख रहे हैं तो आप उन्हें डिस्क्राइब करिएगा राइट तो जैसे एटीट्यूड क्या होते हैं डिसीजनेस इनिशिएटिव इंटरपर्सनल स्किल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल परजीवरेंस ये अगर आपने ये फाइव एटीट्यूड लिख दिया तो आपको इनको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये फाइव के फाइव लर्न नहीं है आप सिर्फ टू थ्री लिख रहे हैं तो आप उन्हें वन वन लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर गेटिंग फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज़ लिस्ट सम वेस्ट टू मिनिमाइज़ वेस्ट एंड पॉल्यूशन तो इनमें से आपको सिर्फ एक करना है अगर आप एंटरप्रेन्योरल यूनिट अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें से आप एक कर ही सकते हैं इजीली टू मार्क्स के क्वेश्चन में और वेस्ट एंड पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करना ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ये भी बहुत कॉमन टॉपिक है सो so, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वेस्ट एंड पॉल्यूशन बाय रिड्यूसिंग बाय यूजिंग दैट स्ट्रेटजी दैट इज रिड्यूस री एंड रीसाइकिल दूसरा है बाय मैनेजिंग ई वेस्ट बाय एक्सचेंजिंग वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग ईको फ्रेंडली मटेरियल सो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन नाउ सेक्शन बी अब आ जाते हैं हम जावा वाले क्वेश्चंस पे ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ गया है तो इसमें आपको सेवन क्वेश्चन इसमें से फाइव क्वेश्चन करने हैं जिसमें ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो है नेक्स्ट यूनिट का है तो जावा से कितने क्वेश्चन हम देख सकते हैं ये वाला है देन नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो फ्रॉम जावा तो ये सब जावा से हैं तो अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे सी बस ई की पी डी एफ से ही एज इट इज़ पूछ लिए गए हैं इवन ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी आप देखेंगे कि सी बी एस ई की, की बुक्सें ही हैं जैसे यहाँ पे क्रिएट एरे टू स्टोर परसेंटेज ऑफ फाइव स्टूडेंट्स तो ये कितना इजी है कि आपको फाइव स्टूडेंट्स uh, की परसेंटेज स्टोर करनी है तो आप इंट टाइप का भी ले सकते हैं और जैसे परसेंटेज पॉइंट में भी होती है तो हम डबल ले सकते हैं डबल देन दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स देन वी विल राइट मार्क्स या परसेंटेज कुछ भी लिख सकते हैं आप एरे uh, का नेम देन इक्वल्स टू और फिर आप इनिशलाइज कर सकते हैं विद फाइव परसेंटेज लाइक फिफ्टी कॉमा हंड्रेड कॉमा ट्वेंटी पॉइंट फाइव कॉमा ऐसे करके आपको यहाँ पे फाइव वैल्यूज लिख लेनी है बाई सेपरेटिंग द कॉमा और लास्ट में आपको क्या करना है इसको टर्मिनेट करना है विद द सेमिकोलन हाउ मेनी टाइम्स ये ट्वेल्थ क्वेश्चन भी बहुत ईजी है हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट तो हमने ये डिस्कस किया था कि फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट करता है इट विल इनिशलाइज विद दिस नंबर ये इसका कंट्रोल वेरिएबल है तो फाइव से इनिशलाइज होगा फाइव के लिए पहले रन करेगा फिर उसके बाद क्या करता है इट विल डिक्रीज द वैल्यू ना फाइव के लिए क्यों रन कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन चेक five is greater than, equal to one. Four, हो रही है फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन उसके बाद फोर जब डिक्रीज़ होगी तो फोर हो जाएगा फोर के लिए चेक करेगा फोर इज लेस देन इक्वल टू वन येस ट्रू है सॉरी ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन ट्रू है तो फिर रन करेगा फिर से डिक्रीज करेगा थ्री थ्री इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन तो थ्री के लिए रन करेगा फिर ऐसी डिक्रीज होकर टू हो जाएगी टू के लिए भी रन करेगा देन वन हो जाएगा वन के लिए भी रन कर रहा है और उसके बाद डिक्रीज होकर ज़ीरो होगा तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन नो तो तो कितने टाइम्स रन किया? पे तो पे आपका आंसर आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन मोस्ट प्रॉबेबली आएगा कि एक लूप आपको दिया होगा और पूछा होगा कि कितने टाइम्स ये लूप रन करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि लूप किस तरीके से रन करता है इवन अगर हाउ मनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है फाइन द आउटपुट आता है फॉर लूप से तब भी आपको पता होना चाहिए कि लूप जो है किस नंबर तक रन करेगा फॉर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं कि आप ऑप्शन देख के सही टिक कर लेंगे इसको हम एक बार फाइंड द आउटपुट के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पे नंबर जो है सबसे पहले फाइव हो रहा है फाइव इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन कंडीशन चेक होती है उसके बाद अगर कंडीशन थ्री होती है फाइव ग्रेटर दैन वन है तो फॉर लूप के अंदर आ जाता है तो फॉर लूप यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है आपका क्या प्रिंट हो रहा है स्क्वायर ऑफ प्लस नंबर स्क्वायर ऑफ प्रिंट होगा देन नंबर इज फाइव यहाँ पे प्रिंट एल एन नहीं है प्रिंट है तो क्या रहेगा सेम लाइन में रहेगा स्क्वायर ऑफ फाइव यहाँ पे आएगा इक्वल टू नंबर इनटू नंबर तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव इसके बाद आपका लाइन चेंज हो रहा है तो अब जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा बट अब क्या होगा ये टर्मिनेट नहीं होता एक ही बार नहीं आ, लूप आपका एग्जीक्यूट करता है इट विल गो अबव और यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी बाय वन वन से डिक्रीज हो रही है तो फोर अब फोर चेक होगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन यस तो फिर से ये बॉडी क्या होगी एग्जीक्यूट होगी स्क्वायर ऑफ़ फोर इक्वल्स टू सिक्सटीन फिर से एग्जीक्यूट होगी थ्री होगा स्क्वायर ऑफ़ थ्री इक्वल्स टू नाइन फिर स्क्वायर ऑफ टू इक्वल्स टू फोर फिर वन होगी डिक्रीज़ होके 1 वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन ग्रेटर नहीं है पर इक्वल टू है तो स्क्वायर ऑफ वन इक्वल टू वन फिर से डिक्रीज़ होगी जीरो इस टाइम पे लूप एक्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि जीरो होने पे ही टर्मिनेट हो जा रहा है तो आपकी लूप बॉडी एक्जीक्यूट नहीं होगी सो so ये फाइव टाइम एग्जीक्यूट हो रही है और इसका आंसर स्क्वायर ऑफ़ फाइव से लेके स्क्वायर ऑफ़ वन इक्वस टू वन तक आएगा नाउ दिस क्वेश्चन वाई मेन इज स्पेशल मैथड इन अ जावा प्रोग्राम तो मेन मैथड स्पेशल क्यों होता है क्योंकि जो भी आपका एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का वो कहाँ से स्टार्ट होता है मेन मैथड से होता है सो दैट्स वाई इट इज़ अ स्पेशल मैथड नेक्स्ट इज वट शुड वी डू टू मेक अ डेटा मेम्बर और अ मैथड मैम्बर ऑफ अ क्लास विजिबल ओनली विद इन द क्लास तो अगर हमें चाहिए कि सिर्फ क्लास के अंदर ही विजिबल हो कोई और क्लास इसको यूज़ ना कर पाए तो हमें क्या करना होता है वी मेक इट प्राइवेट आपको याद होगा हमने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा था सो वी विल मेक इट प्राइवेट बस इतना ही है इसका आंसर हाउ कैन यू राइट मल्टी लाइन कमेंट्स इन जावा तो कैसे हम मल्टी लाइन कॉमेंट्स लिखते हैं एक है बाई राइटिंग डबल स्लैश और इसके आगे हम जो भी कॉमेंट होता है वो लिख लेते हैं एंड नेक्स्ट इज बाई यूजिंग दिस स्लैश एंड देन एस्ट्रिक इसके अंदर हमें क्या करना होता है उसे एनक्लोज करना होता है तो इसे हमने एक कमेंट एक लाइन लिखा कमेंट का फिर नेक्स्ट लाइन लिखा फिर थर्ड लाइन लिखा और वहाँ पे एंड कर देंगे इसके थ्रू सो देयर आर टू मैथर्स बाय स्टार्टिंग द कमेंट मल्टी लाइन कॉमेंट विथ डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड अनदर इज़ बाय इंक्लूजिंग योर मल्टी लाइन कमेंट इन दिस स्लैश एंड एस्ट्रिक साइन नेक्स्ट क्वेश्चन थिंक ऑफ एनी टू वर्क एरियाज ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ हो सकता है तो यहाँ पे आपको कोई भी टू वर्क एरियाज लिखना है जैसे कि बैंकिंग में हो सकता है स्कूल्स में हो सकता है पब्लिक सेक्टर्स लाइक या गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो सकता है ना तो आपको यहाँ पे बस एरियाज़ देने जहाँ पे ये डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है ना वाई जावा प्रोग्राम इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है बिकॉज इट इज़ हैविंग सच कंपाइलर जावा कम्पाइलर जो होता है दैट कन्वर्ट्स जावा प्रोग्राम इन टू बाइट कोड ये क्या करता है जावा प्रोग्राम को डायरेक्टली मशीन कोड में नहीं चें कन्वर्ट करता है इट कन्वर्ट इट इन टू बाइट कोड और बाइट कोड क्या होता है इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये किसी भी मशीन में रन कर सकता है सारी मशीन्स के लिए सेम होता है एंड देर विल बी अ जे वी एम हर मशीन में क्या होना चाहिए एक जे होना चाहिए जावा वर्चुअल मशीन जो कि जावा इंटरप्रिटर है जो इस बाइट कोड को रीड करके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा फॉर अ पर्टिकुलर मशीन सो दैट्स वाई जावा प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्योंकि जावा कंपाइलर जो होता है वो बाइट कोड में करता है बाइट कोड कैन रन ऑन एनी मशीन टिल इट दैट मशीन इज हैविंग जे वी एम इन इट विच कन्वर्ट्स

बुक कैन बी द क्लास फिर उसके डेटा मैम्बर्स आप लिख सकते हैं लाइक टाइटल पब्लिशर प्राइस ऐसी मेथड uh, मैम्बर्स लिख सकते हैं और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं लाइक हिंदी इंग्लिश ना तो इसके लिए आपको सेंटेक्स पता होना चाहिए सो यू हैव टू मैंशन द क्लास ऑब्जेक्ट और उसके एग्जाम्पल नेक्स्ट इज़ फाइंड द एर एंड गिव करेक्ट कोड तो एरर क्या है इसमें अगर हम देखें यहाँ पर वाइल्ड लूप यूज हुआ है सो so, ये इनिशियलाइजेशन हुआ है जो भी कंट्रोल वेरिएबल है यहाँ पे नंबर उसका इनिशियलाइजेशन हो गया वन से वाइल लूप का यहाँ पे कल्ली ब्रेसेस भी है ये कंडीशन आ गई नाउ हो फाइव तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है स्क्वायर ऑफ़ फाइव इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए वैल्यू आपकी अपडेट ही नहीं हो रही है ना वन इज़ लेस देन इक्वल टू फाइव तो हो गया अब इसके बाद टू इज़ लेस देन फाइव थ्री इज़ लेस देन फाइव फोर फाइव तो आपकी यहाँ पे क्या होना चाहिए था नंबर प्लस प्लस होना चाहिए था एक यहाँ पे इंक्रीमेंट वेरिएबल होना चाहिए था लाइक नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस वन ये लूप क्लोज होने से पहले नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस वन होना चाहिए था या फिर और नंबर प्लस प्लस क्योंकि नंबर प्लस प्लस लिखते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस वन होता है सो यू कैन राइट हेयर द आंसर दैट अपडेशन ऑफ द वैल्यू इज मिसिंग दिस इज द एरर एंड करेक्शन ऑफ कोड क्या होगा आप यहाँ पे करली ब्रेसेस से पहले नंबर प्लस प्लस लिख लेंगे नेक्स्ट इज गिव टू डिफरेंसेज बिटवीन वाइल्ड लूप एंड डू वाइल लूप तो ये डिफरेंस तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वाइल्ड लूप क्या होता है एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है और डू वाइल क्या होता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है सेकेंड डिफरेंस कैन बी इट मे हैपन दैट वाइल्ड लूप विल नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई इन केस कंडीशन इज़ फॉल्स इन द स्टार्टिंग ओनली देन वाई लूप विल एग्जीक्यूट जीरो टाइम्स बट इन केस ऑफ डू वाई लूप इट एग्जीक्यूट इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन द कंडीशन इज़ फॉल्स उससे पहले भी ये एक बार रन करता है एंड अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं लर्न है तो आप ये भी लिख सकते हैं इसका जो सिंटेक्स होता है सिंटेक्स में क्या होता है वाइल ऊपर होता है इनिशियलाइजेशन देन वाइल देन कंडीशन देन बॉडी ऑफ वाइल लूप और जबकि इसमें क्या होता है डू देन करली ब्रेसेस देन बॉडी ऑफ डू वाइल लूप एंड देन क्लोज एंड यहाँ पे आपकी क्या होती है कंडीशन होती है एंड देन सेमीकोलन तो आप सेंटेक्स भी लिख सकते हैं इन द डिफरेंस ऑफ दीज टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द नीड ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इन ऊप सो हमें पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि स्पेशल मैथड मेम्बर होता है जो कि वेरिएबल्स uh, को इनिशलाइज करने के काम आता है जो भी क्लास के वेरिएबल्स होते हैं इफ़ दे आर नॉट इनिशलाइज देन वी कैन इनिशलाइज दै यूजिंग कंस्ट्रक्टर अब इसका एक फीचर लिखना है ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक बोला था कि लाइक राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर जबकि यहाँ पर फीचर और करेक्टरिस्टिक्स सेम ही है तो वट इज़ द करेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इट हैज़ सेम नेम एज द नेम ऑफ क्लास या फिर हमारा एक और फीचर होता है हम वो भी मैंशन कर सकते हैं कि ये क्या होता है ऑटोमेटिकली कॉल होता है वेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इसे एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वट विल बी द वैल्यू ऑफ एन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन स्टेटमेंट तो यहाँ पे एन की क्या वैल्यू होगी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड तो देखिए अगर आपने वीडियोज़ अच्छे से देख लें अभी तक जितने भी वीडियो पोस्ट हुए हैं अगर आपने अच्छे से देखे हैं उनकी प्रैक्टिस की है जो भी क्वेश्चन भी दिए गए थे उसमें तो आप इजीली इस सैम्पल पेपर को सॉल्व कर पा रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा जितना भी टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं उससे रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे आई होप अगर वीडियो अगर नहीं कर पा रहे तो एक बार वीडियोस को और अच्छे से देखिएगा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि यहाँ पे इफ एल्स का ये क्वेश्चन जो है इफ एल्स से रिलेटेड है तो अगर आप इसका सही आंसर नहीं फाइंड कर पा रहे हैं देन यू मस्ट वॉच द वीडियो रिलेटेड टू इफ एल्स और उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करना तो आपका आंसर सही आएगा आई होप तो यहाँ पे क्या हो रहा N है एन सबसे पहले ज़ीरो है उसके बाद इफ़ कंडीशन आ गई है सिक्स इज ग्रेटर देन सेवन नहीं ये आपकी क्या हो गई यहाँ पे इस रिलेशनल ऑपरेटर की वजह से आपका फॉल्स आ गया देन और ऑपरेटर फाइव इज़ ग्रेटर देन फोर ट्रू तो और ऑपरेटर में क्या होता है एक भी अगर कंडीशन ट्रू है एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो रिजल्ट क्या आता है ट्रू तो इस पूरी कंडीशन का आंसर जो आ गया ट्रू आ गया तो अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है इफ़ के ब्लॉक में आपका कंट्रोल फ्लो जो होता है प्रोग्राम का वो इफ़ ब्लॉक में आ जाता है तो इफ़ रन होगा एन इक्वल्स टू फाइव तो हमारा एन फाइव हो गया और इफ़ कंडीशन अगर थ्री हो गई तो एल्स आपका एग्जीक्यूट ही नहीं करता है तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है आपकी फ़ाइव हो गई आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ़ दिस फॉलोइंग सेलेक्शन स्टेटमेंट तो सेलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है इफ़ एल्स इज़ अ सेलेक्शन स्टेटमेंट नाउ थ्री मार्क्स क्वेश्चन तो थ्री मार्क्स क्वेश्चन में देखिए फिर से फाइंड द कोड फाइंड द आउटपुट ऑफ द कोड आया है तो फाइंड द आउटपुट ऑफ द कोड कोड कैसे रन कर रहा है ना ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका प्रोग्राम होता है वो मेन से रन करता है तो मेन के अंदर क्या लिखा है एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिखा लिया गया है माई स्ट्रिंग जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टोर है ये वैल्यू है इस वेरिएबल की यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है माई स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ तो हमने स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े थे आपको याद होगा हमने स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े थे इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है इट इज़ यूज टू इट इज़ यूज टू गिव द इंडेक्स इंडेक्स किस इंडेक्स पे है ये जो भी कैरेक्टर यहाँ पे पास हुआ होता है एज अ आर्ग्यूमेंट ऑफ़ दिस फंक्शन इंडेक्स ऑफ फंक्शन में जो भी आर्ग्यूमेंट पास हुआ होगा उसका क्या इंडेक्स है दैट यू शुड नो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइक इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन स्पेस भी काउंट होता है एज अ करेक्टर तो इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा थर्टीन फॉर दिस स्टेटमेंट तो आउटपुट आपका आएगा थर्टीन फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए आएगा आउटपुट माई स्ट्रिंग डॉट कंटेंस तो कंटेंस क्या करता है चेक करता है कि ये जो भी इसके अंदर यहाँ पर सब स्ट्रिंग दी है वेदर इट इज़ इन दिस स्ट्रिंग और नॉट अगर होती है देन इट रिजल्ट ट्रू इट रिटर्न ट्र अदरवाइज फॉल्स तो ये नो no देखिए यहाँ पर है सो इट विल रिटर्न ट्रू नेक्स्ट इज़ माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ लेंथ क्या करता है इस पूरी जो भी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो रिटर्न करेगा तो यहाँ तक हमारे थर्टीन इंडेक्स था यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सो रिज़ल्ट विल बी ट्वेंटी टू तो ये तीनों जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी इन डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स क्योंकि यहाँ पे प्रिंट एल एन यूज़ हुआ है नाउ दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ई एम तो आर ई एम यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये स्विच केस है आपको याद होगा स्विच केस कैसे एग्जीक्यूट करता है यहाँ पे कोड की वैल्यू है टू तो यहाँ पे स्विच केस के अंदर क्या वैल्यू पास होगी टू अब ये जो भी स्विच के अंदर वैल्यू होती है स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो भी वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू इन सब केस के आगे जो वैल्यूज़ लिखी होती है उनसे मैच करती है तो जिससे भी ये मैच करेगी वो वाला जो स्टेटमेंट होता है उस केस स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है और अगर इन केस ब्रेक एनकाउंटर होता है ब्रेक कीवर्ड आ जाता है तो क्या होता है आपका स्विच केस के बाहर निकल जाता है कंट्रोल फ्लो और अगर इनके ब्रेक नहीं आता है तो क्या होता है उसके बाद जस्ट नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट स्विच केस एग्जीक्यूट हो जा होने लग जाता है नेक्स्ट केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो जैसे यहाँ पर टू है तो टू से वन तो मैच हुआ नहीं तो ये तो नहीं रन करेगा टू से नेक्स्ट वाला केस मैच हो गया तो क्या आ जाएगी आपकी आर ई एम की वैल्यू हो गई अब नाइन क्योंकि यहाँ पर ये यह मैच कर गया अब यहाँ पे ब्रेक होता अगर केस जस्ट इसके बाद ब्रेक लिखा होता तो आपका जो कंट्रोल फ़्लो था वो बाहर आ जाता और आपकी आर ई एम की वैल्यू नाइन हो जाती बट बिकॉज़ हेयर आर ई एम इज़ मिसिंग तो उस वजह से क्या होगा आपका कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम केस थ्री में चला जाएगा इट विल फॉल थ्रू हेयर तो अब क्या हो जाएगा आर ई एम टेन हो जाएगा और इसके बाद ब्रेक है तो आपका जो कंट्रोल फ़्लो होगा वो आउट ऑफ दिस स्विच केस आ जाएगा तो फाइनल वैल्यू ऑफ आर एम विल बी टेन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ फॉर लूप दैट डिस्प्लेज ऑल और नंबर्स बिटवीन वन टू टेन तो वन से लेकर टेन तक आपको क्या करना है और नंबर डिस्प्ले करने हैं। तो so, ये क्वेश्चन हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था जब हम फॉर लूप डिस्कस कर रहे थे आई थिंक वहाँ पर हमने इवन नंबर की बात की थी तो so, सेम ही प्रोसीजर है ईवन नंबर में हम क्या करते हैं ये जो कंट्रोल वेरेबल होता है इसको हम टू से स्टार्ट करते हैं ऑर्ड में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे वन से क्योंकि वन भी ऑड नंबर होता है तो हम क्या करेंगे इंट एन इक्वल्स टू वन तो सबसे पहले हमने निशलाइज़ कर दिया देन वी विल पुट सेमी कोलन इसके बाद क्या आती है कंडीशन तो एन आपका कहाँ तक रन होना चाहिए टिल टेन तो लेस देन इक्वल टू टेन या फिर लेस देन इलेवन कर सकते हैं हम इसके बाद आपकी वैल्यू अपडेट होनी होती है तो हमें देखो वन के बाद हमें क्या चाहिए टू नहीं चाहिए अगर हमें टू चाहिए होता तो हम एन प्लस वन कर देते या एन प्लस प्लस कर देते हमें यहाँ वन के बाद नेक्स्ट नंबर चाहिए थ्री उसके बाद नेक्स्ट चाहिए फाइव तो यहाँ पे हमें एक नंबर स्किप करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे एन में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा टू सो वी आर गोइंग टू राइट हेयर एन इक्वल्स टू एन प्लस टू एंड देन वी विल क्लोज दिस पैरेंथिस अब फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट होगी हमें क्या करना है सिंपली डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो हमारा नंबर है एन वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट जो भी वेरिएबल है जिसमें वैल्यूज स्टोर हो रही है नंबर स्टोर हो रहा है वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट और ये आपका फॉर लूप क्लोज हो गया तो बस इतना सही था ये प्रोग्राम नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हाउ कैन वी इनेबल एसर्शन टू डिबक आर कोड इन जावा तो ये टॉपिक हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया है कि हम एसर्शन को कैसे इनेबल करते हैं एसर्शन क्या होता है फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एनी एक्जेंशन जो भी हमने एग्जेंप्शन किया है उसको चेक करने के लिए उसको टेस्ट करने के लिए वी यूज एसर्शन और उसे इनेबल कैसे करते हैं हम देर आर टू मैथड्स फॉर इनेबलिंग आपको याद होगा एक तो कमांड लाइन में हम क्या लिख सकते हैं जावा डैश और जावा माइनस ई ए और आई शुड से डैश तो या तो हम ये लिख लें इन कमांड लाइन या फिर हम क्या करें वी विल राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम देन विल चूज़ द ऑप्शन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू देन उसमें हमें रन चूज़ करना होता है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स एंड देन इन वी एम ऑप्शन वी राइट माइनस ई एंड क्लिक ऑन ओके टू इनेबल असरशन नेक्स्ट टू क्वेश्चन आर फ्रॉम थ्रेड एंड रैपर क्लास विच वी हैवेंट डिस्कस्ड येट तो सून आई एम गोइंग टू पोस्ट द वीडियोज ऑन दिस थ्रेड एंड रैपर क्लास सो स्टेट यून एंड इन केस अगर आपने ये टॉपिक अभी प्रिपेयर नहीं किए हैं और हमने भी वीडियोज़ में डिस्कस नहीं किए हैं तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फोर क्वेश्चन में से टू क्वेश्चन करने हैं तो हम ये बाकी जो ईजी वाले क्वेश्चन है ये अटैम्प्ट कर सकते हैं इवन ये दो जो है जिसमें आपको वैल्यू ऑफ रैम और फाइंड द कोड सॉरी रीड द कोड एंड गिव आउटपुट करना है ये दोनों क्वेश्चन ईजी हैं इंस्टेड ऑफ दिस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो जब भी आपको फाइंड द आउटपुट वाले क्वेश्चन आए और वो अच्छे से आते हैं तो आप उन्हें ही अटैम्प्ट करिएगा क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा uh, जैसे हम लिखते हैं तो मार्क्स कट भी हो सकते हैं बट अगर इसका आपने सही आउटपुट लिख दिया देखिए सिर्फ थ्री लाइन्स का आउटपुट है अगर आपने ये लिख लिया देन यू विल गेट फुल मार्क्स सो आई होप आपको इतना तो अच्छे से समझ में आएगा ना हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वॉट आर मैथड्स इन जवा आपको मैथड की डेफिनेशन लिखनी है एंड यूजर डिफाइंड मैथड दैट रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो ये बहुत ईजी है कि आपको क्या करना है यहाँ पे एक मैथड लिखना है तो आपको याद होगा कि हम मैथड कैसे लिखते हैं मैथड का नेम लिखते हैं अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है तो हम मैथड का नेम प्रोडक्ट लिख सकते हैं इसका रिटर्न टाइप अब रिटर्न टाइप किस पे डिपेंड करता है किस टाइप का वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं तो ऐसे मुझे रिटर्न क्या करना है प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सो ओबियसली दो टू नंबर्स विल बी पासड एज द आर्ग्यूमेंट पैरामीटर की तरफ़ पास होंगे इस फंक्शन में सो so अगर मैं यहाँ पर डबल टाइप के पास कर रही हूँ तो मेरी रिटर्न भी क्या होगी डबल टाइप होगी क्योंकि वो दो डबल टाइप के नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो रिटर्न टाइप भी क्या होगा डबल अगर आप इंट टाइप का पास कर रहे हैं लेट्स से आप इंट ए इंट बी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या करेंगे रिटर्न ए इंटू बी तो इंटीजर टाइप का होगा तब आप यहाँ इंट मेंशन कर सकते हैं और इसे आपको क्लोज कर देना है अगर आप यहाँ पे डबल लिख रहे हैं डबल टाइप के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओब्वियसली आपका रिटर्न भी क्या होगा रिटर्न टाइप भी डबल होगा तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में फंक्शन का नेम लिखते हैं देन जो भी हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए जो भी डेटा चाहिए यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं तो इनकी वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिलेंगी यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स अगर आप चाहते हैं कि यहीं पर ही सिम्पली आप ए इक्वस टू टैन वैल्यू दे दें इंट एक्व टू टेन इंट बी इक्व टू ट्वेंटी ऐसे भी लिख सकते हैं आप तो आपको यहाँ पर फिर आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपने वैल्यूज़ यहीं पर लिख दिए हैं और इन केस अगर आपने वैल्यूज़ यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि यूज़र वैल्यूज़ दे और फिर फंक्शन में पास हो तो आप यहाँ पर इंट ए कॉमा इंट बी लिख सकते हैं तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा फंक्शन बनाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इट कैन बी कॉल फ्रॉम एनी अदर फंक्शन तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टैटिक जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन जो है मेन फंक्शन के अंदर से कॉल हो जाए तो आप यहाँ पे स्टैटिक की वर्ड यूज़ करेंगे तो क्या लिखना है आपको स्टैटिक इंट प्रोडक्ट इंट ए इंट बी देन यू विल स्टार्ट कर ली प्रोसेस देन रिटर्न

कि एक्सेप्शन क्या होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाए दैट इज एक्सेप्शन और आप इसे हैंडल कैसे करते हैं यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक और इसका एग्जाम्पल आपको देना है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है इवन नोट्स आर देयर विद दैट अटेस्ड विद दैट वीडियो सो आप उन नोट्स के थ्रू भी इस क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ सकते हैं वहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो आई प्रोवाइड दैट लिंक लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आप प्लीज़ जाके चेक करिएगा अगर आपने नहीं देखी है वो एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि लाइक जावा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इससे इसको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो ये फोर्थ यूनिट को तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है एंड एंटरप्रेन्योरल और ग्रीन स्किल तो बहुत ईजी है तो आपको अपना मैग्जिम टाइम जो है जावा पे ही देना है और इसके दो टॉपिक बचे हैं अभी आपने देखा होगा इसमें डेटा कनेक्टिविटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया बिकॉज दैट टॉपिक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट तो इसलिए शायद इस उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है एसर्शन ड्रापर ये सब ईजी है तो इससे क्वेश्चन आएँ तो प्लीज़ इन्हें प्रपेयर कर लीजिएगा अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इन द प्रपेसन ऑफ़ योर आई टी सब्जेक्ट इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और अब अगर आपको अच्छे से प्रपेयर करने के लिए और वीडियोज़ चाहिए सो प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो